सागर के राहतगढ़ में घर में खेलते समय 9 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फट गई। बैटरी में इतना तेज धमाका हुआ कि बच्चे के हाथ की दो उंगलियां फटकर अलग हो गई। ब्लास्ट की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों का कहना है कि शहजाद इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और पुरानी मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के तार बैटरी से टच हो गए, जिससे ये ब्लास्ट हुआ। मंगलवार को शहजाद गंभीर हालत में था, जिसे देखते हुए भोपाल उसे रेफर किया गया है। घायल शहजाद के चाचा जहीर ने बताया कि सोमवार के समय शहजाद घर पर अकेला था, सभी घर से बाहर काम पर गए हुए थे। शहजाद मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था और तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। बैटरी इतनी तेज फटी कि शहजाद के दाएं हाथ की हथेली बुरी तरह से जख्मी हो गई, दो उंगलियां अलग हो गई, शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। बैटरी कितनी पुरानी है यह किसी को जानकारी नहीं है। काफी समय पहले एक मोबाइल की बैटरी खराब होने पर निकाल कर अलग रख दी गई थी। जे बैटरी से खेल रहा था, मोबाइल की बैटरी से, तो बैटरी खेलने में फूट गई। क्या हुआ, जो दो उंगलियाँ हाथ फट गया कुल मिला के।